टेंशन ना लो, ये पिछे ना मेरी बथेरी तगड़ी स्कीम लाई एक। तू तो स्कीम घटती रहनी है, कि तेरी स्कीम फेल ना हो जाए। अरे राहुल, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं बात बनने की जगह बिगड़ ना जाए। अरे बुआ, कोई बात नहीं, एक बार मैं देखता हूँ ना उनसे बात कर कर क्या बोलते हैं। राहुल आया तो उसको भूख लगी होगी, तो उसने खाना मांग लिया तो क्या करेंगे। कोई बात नहीं माँ, राहुल भैया को भी तो मालूम है ना हमारे हालात कैसे है। योदा भरा आवे ते सगों आवे ते इत्थे तोड़ भन्न भी करे। तेरा दिमाग सही है, तोड़ भन्न करे? किदां दी गल्लां करन रही है तू? पर कोई सामान वन तो नहीं ले जाना? नहीं नहीं, समान ही चाहिए अभी। अच्छा। जब समान चाहिए होगा मैं बता दूंगा, ठीक है? ठीक। आओ मेरे साथ। संदीप को ना हुण मैं इंडिया आऊंगा ते फिर ही आके गलबात करांगे बह के। हुण संदीप नूं तुसीं लियाउण लई हुंदी गल ना करो, तुसीं उहनूं अपने कोल ही रखो उत्थे। माँ खूब मजा चखाया होगा आज तो आप लोगों ने इनको, क्या बोले फिर वो? मजा तो चखाया, लेकिन हमने नहीं, उल्टा उन्होंने हमें चखा दिया। उन्होंने? संदीप एक गिलास पानी तो लेकर आ, तेरे ससुराल वालों ने तो पानी भी नहीं पूछा हमें। लेकिन वो क्यों भैया? तुम दोनों की वजह से। पिछली बार तेरे ससुराल गए थे ना, उन्होंने हमें पानी भी दिया और चीनी के कप में चाय भी पिलाई, लेकिन आज उन्होंने हमें बैठने तक के लिए नहीं बोला। वो मुझे क्या पता था कि लेने के देने पड़ जाएंगे, मैंने तो सोचा कि आदमी लेकर जाऊंगा तो वो डर जाएंगे। माँ तुम दोनों मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, सच बोलो क्या बात है? अरे मैं झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही हूँ। वो पंजाबी हैं, किसी से नहीं डरते। अरे बुआ जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। अरे मैं कैसे भूल गई कि मैं उनके घर में इतने साल काम किया और उनका नमक खाया। हुआ क्या था, मुझे तो आप लोग कुछ बता ही नहीं रहे, वहाँ पे क्या बात हुई थी? अरे संदीप, जब हम आदमी लेकर वहाँ पहुँचे थे ना, तो तुम्हारी जिठानी ने जीजू को तो पहले वीडियो को लगा रखा था। और इतने आदमी देख के तेजिंदर बड़क उठा और बोला कि तुम अकेली औरत को देख के डरा रहे हो, तो उसने पता क्या किया, पुलिस की धमकी भी दी है। और क्या बोले वो? उसने तो साफ बोल दिया कि संदीप इस घर में वापस नहीं आ रही, और जब मैं आऊँगा तो बैठ कर फैसला करूँगा, तब तक तुम्हारे साथ ही रहेगी। माँ इसका मतलब मैं उस घर में अब कभी नहीं जाऊँगी। अरे राहुल जी बुआ। अरे संदीप क्या हो, राहुल पानी लेके आओ जल्दी पानी। संदीप मेरी बच्ची, क्या हुआ तेरे को? अरे संदीप क्या हुआ, संदीप उठो ना, क्या हुआ तेरे को? पता नहीं क्या हो गया। संदीप उठो, आंखें खोलो संदीप। अरे संदीप क्या हुआ, संदीप मेरी बच्ची क्या हुआ, तुम तो बहादुर बच्ची हो ना मेरी। माँ जिंदर ने सच में ऐसा बोला है? हाँ हाँ, मैं संदीप तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहती, जो सच्चाई ना मैंने तेरे को बता दी है। यही बोला तो जिंदर ने, मैं तेरे से झूठ क्यों बोलूंगी। बुआ ऐसे करो, दूध में ज्यादा चीनी डालकर लाओ, मुझे लग रहा है संदीप का ज्यादा बीपी हो गया है। अरे राहुल घर में तो चीनी नहीं है, पूरा राशन खत्म है। संदीप घबरा मत, जीजू ने तुम्हें छोड़ने की बात नहीं की, जब वो इंडिया आएंगे ना तब तुम्हें वो ले जाएंगे, ऐसा जीजू ने कहा है, उतना टाइम तुम बुआ के पास रहो। माँ उन्होंने ऐसा ही बोला था ना, भैया सच बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ, तेजिंदर ने बिल्कुल ऐसा ही बोला था। देखो तुम जीजा से इतना प्यार करती हो, भगवान करे आपका रिश्ता ऐसे बना रहे। सिमी सब्जी कड़ी बनानी है अज? मेरा तो जी करन दिया अज ना, मैं उच्ची उच्ची गाने ला के ना नचा, कोई काम करन मेरा जी नहीं करन दिया। वो तो गल ठीक है, पर रोटी तो खानी है ना, मनिया तो अपनी जित विच कामयाब हो गई हां, पर भुखे थोड़ी रहना वा हुण। मैं कली थोड़ी कामयाब हुई हूँ, तुम्हें भी तो मेरा पूरा साथ दिता ए। पर मम्मी एक गल तो हैगी है, जी मुसीबत ही ना संदीप वाली, ये साढ़े गलों ना हमेशा हमेशा ली हूँ लथ गई है। हाँ सिमी मैं भी बड़ी खुश हाँ, स्यापा मुक्का सारा। आहो ये तो है। चलो फिर इदा करिए, अज बाहर ही पार्टी कर दी, चलिए।
ਬਾਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰ ਲਾ ਕੁਛ ਮੰਗਾ ਲਾ ਜੋ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾਲੇ ਘੁੰਮ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਨਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ ਕੱਲੀ ਅੱਛਾ ਹੁਸ਼ੀ ਆਪ ਇਤਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਅਰੇ ਰਾਹੁਲ ਕੀ ਕਰੂੰ इतने सालों का मेरा रिश्ता था और पल भर में टूट गया और ना मेरे पास कोई काम है और ना घर में कोई राशन बुजी आप ऐसा करिए राशन की लिस्ट बना के दीजिए मुझे मैं बाजार से ले आता हूँ नहीं नहीं राहुल मैं तेरे से ऐसे राशन नहीं ले सकती तेरे को पता ना मैं इतनी भी खुद गर्ज नहीं हूँ अरे बुजी मैं फ्री में थोड़ी दे रहा हूँ जब आपकी तनख्वाह लगेगी तो मैं उससे काट लूंगा ये ठीक रहेगा तुम काम कब शुरू कर रही हो आज से कर रहा हूँ आज से ही लेकिन वो कैसे मैंने अपने दोस्त के साथ बात की थी ना कि मैंने यहाँ काम खोलना है तो उसने अपना कार्ड मुझे दे दिया अच्छा अच्छा क्या रेडी अरे बुआ जी कार्ड होता है हमारा भी कुछ स्टैंडर्ड है अरे वो काम नहीं करेगा जिसने अपनी कार्ड दी अरे नहीं उसका किसी रेस्टोरेंट वालों ने वीजा लगवा दिया है अब वो बाहर जा रहा है अच्छा भैया इस काम में भी लोग बाहर जा सकते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं कारीगर बंदे की तो हर जगह डिमांड होती है अगर ऐसी बात है ना तो फिर मैं भी जरूर काम सीखूंगी ये वाला हाँ हाँ संदीप क्यों नहीं मैं तुम्हें सिखाऊंगा ना काम ठीक है भैया मैं जरूर सीखूंगी ये काम चलो इदा कर दी है तैयार ही होके जानी है बंदा उसे कोई रील रूल ही बना लेंदा है सबुआ मैं संदीप को साथ में ले जाता हूँ संदीप को जूस भी पिला दूंगा और घर का राशन भी ले आऊंगा ऐसा करो आप मुझे लिस्ट बना दो अरे अगर संदीप तेरे साथ जा रही है तो इसको सारा मालूम है लिस्ट की क्या जरूरत है जाओ संदीप चल ठीक है बुआ जा रहे हैं हम ठीक है माँ हेलो सत श्री अकाल जी की हाल जी बस वधिया वधिया तू सुना गगन ठीक ठाक अज किवें याद कर लिया सानू बस यार याद तो रोज़ करीदा वा बस फोन फान करन दा टाइम नहीं लगता अच्छा अच्छा ज़्यादा बिजी हो गए तुसीं आहो तुहानूं पता ही है फिर बाहर जाके बंदा बिजी तो हो ही जांदा हाँ सही गल आ तो यार तेरे नाल माड़ा जिहा काम हैगा एक हाँ जी दसो तू ना इदा करी हाँ भी घर चल जा साडे ताडे घर आहो ते रात रुकना तूं उत्थे चंगा रात रात चल मैं रुक जाऊंगा गल की हुई है ओ यार उदा ही कोई ना भइए जे सी हाँ जी तो वो घर आ गए सी इदा मुंडे लिया कोई गलबात हुई है अच्छा तो उतां करके फिर मैं चल तेन पता ही है फिर सिमी की मम्मी कलिया होंगे घर अच्छा तो तू माड़ा जहा चल जी मेरा भरा वैसे कल चल जा नहीं तो मैं नहीं यार तू अज ही चल जा चल कोई नहीं भाई मैं चल जा ना अज ही संदीप नहीं लगन दी अच्छा ये तो वो भैया ना लगी है जूस पीन कोई नहीं जो मी तन में जूस भेज नहीं तेरी फोटो खिंच के तजिंदर मैं भी कह वेख्या वेख्या लगन दिया चल तेन तो मैं दस दी हाँ हम जूस का स्वाद इन भेज दी हाँ फोटो पाई वी जूस ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਲੋਤੀ ਰਹਿਣਾ ਚੱਲ ਲੈ ਜਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ
आ गए ना। ले आए समान? जी बुआ जी। कितने का आया? 5,000 का। इतना सामान तो नहीं, 5,000 का था। आपका तो एक ही लिफाफा है, बाकी मेरा सामान है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो सामान तो आ गया, कल से काम शुरू हो जाएगा ना? जी बुआ जी काम तो स्टार्ट हो जाएगा, एक बार मैं अपना कार्ड देखाऊँ। अच्छा संदीप इसमें से अपना सामान निकाल लेना और मेरी ये सब्जियाँ काट कर दो कर अलग से रख देना, ठीक है? हाँ हाँ ये तो हम कर सकते हैं, तेरे कारोबार में और तो हमें कुछ आता नहीं। कोई बात नहीं बुआ, एक हफ्ते में मैं आपको सबको ट्रेन कर दूंगा, ठीक है? ठीक है भैया। ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है। ठीक है बुआ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਗਨ, ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਠੀਕ ਘਰ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੱਲ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਲਾ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਸੰਦੀਪ ਕੇ ਉਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਗਨ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਸਿੰਮੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਘਰ, ਤਜਿੰਦਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਗਗਨ ਆਏ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾ, ਕੀ ਭਈਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਭਾਬੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਹੁਣ ਆ ਕੀ ਸੀ ਗਗਨ, ਉਹ 4-5 ਭਈਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਾਵਾ ਰੋਲਾ ਰੂਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਲੈਣ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਵਾਵਾ ਧਮਕੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਜਿੰਦਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਜਿੰਦਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤਜਿੰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਤਜਿੰਦਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਵਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਝਾੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਭਈਆ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਦਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਂ। ਉੱਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਡੇ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮੀਂਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਈਏ ਬਥੇਰਾ ਆਕੜਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਭਈਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਆਕੜਦਾ ਸੀ, ਅੜ ਕੇ ਤਾਂ ਖਲੋਤਾ ਦਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣ, ਫਿਰ ਤਿੱਤਰ ਹੋਏ ਭੱਜੇ ਇੱਥੋਂ ਡਰਦੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੋਂ। ਗਗਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਜੇ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੇਕੇ ਨਾ ਭੇਜਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਭਈਆਂ ਕੋ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਈਏ ਵੀਹ ਚਾਰੀ ਦੇ ਆ। ਸਿੰਮੀ ਜਾਂ ਚਾਹ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਘੋਟੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਆ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ। ਹੋਰ ਹੀ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਪਾ ਤਾ ਤਜਿੰਦਰ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਘੱਲਤਾ ਹੁਣ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੀ। ਦੱਸ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਉਹ, ਇਹ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਭਲਵਾਨ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ। ਸਿਆਪਾ ਮੇਰੇ ਭਾਅ ਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਬਣਾ ਦੋ ਤੋਸੇ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਹੋਰ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਬਿਪਤਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਸੀ, ਐਡੇ ਚਾਣਾ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਟੱਕਰਨਾ ਸੀ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਨੱਚਾਂ, ਸਾਰਾ ਮੂਡ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਾੜਤਾ ਰਸੋਈ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕਰੀ ਜਾ।